इनिशियल लेंथ के अगर मैं उसको एल आई बोलू और ये डायरेक्टली टेम्परेचर चेंज के और यहां से हमने क्या फाइंड किया था कि डेल्टा एल इक्वल्स एल इनिशियल एल्फा डेल्टा टी इस तरीके से हमने ऊपर वाले रिजल्ट को प्रोसीड किया था और बाद में हमने क्या लिखा था कि एल इनिशियल प्लस डेल्टा एल मस्बिकल फाइनल और वहां से हमने एल फाइनल निकाला जो अकॉर्डिंगली हमारा ऊपर वाला रिलेशन गिवन है आता है लेकिन ये तब वैलिड है जब एल्फा बहुत स्मॉल है एल्फा जो है ये जनरली टेन टू पार माइनस फाइव या टेन टू पार माइनस सिक्स के ऑर्डर का होता है और ये स्मॉल है इसलिए हमारी ये वाली कि फाइनल इनिशियल डेल्टा अप्रॉक्सिमेशन ये वैलिड होती है अब उसने कह रहा है कि अगर एल्फा छोटा नहीं है यानी एल्फा लार्ज है तो हमको ये रिजल्ट को इंटीग्रेट करना होता है दैट मीनस हम क्या कर रहे हैं कि हमने मान लिया कि डी टी टेम्परेचर चेंज की वजह से

हमने केस क्या के कंसिडर किया था इनिशियली हमने डेल्टा एन मान लिया था कंसिडरेबली चेंज मान ला था हमने लेकिन अब हमको क्या कह रहा है कि अगर एल्फा ज्यादा होता है तो हमें इस तरीके से प्रोसीड करना चाहिए और वो कह रहा है अगर आप इस तरीके से प्रोसीड कर रहे हो तो मुझे बताओ कि फाइनल लेंथ क्या होगी जैसे इस केस में जब हम डेल्टा एल कोल्फा डेल्टा टी से प्रोसीड कर रहे थे तब हमने फाइनल लेंथ ये निकाली थी अब मैं क्या करता हूँ मैं डी एल अपॉन डी टी को लिखता हूँ एल्फा एल के बराबर जो है भी मैं वेरिएबल सेपरेट कर लेता हूँ ताकि मैं तो मैं मैं प्रॉपर लिमिट्स में इंटीग्रेट कर तो तो क्या क्या करता अपॉन किया और मैं DT को राइट हैंड साइड पे ले गया। तो मेरे पास आता है? है अब मुझे जा रहा है तब हमारी यही होगा जब हमारा टेम्परेचर टी वन था तब हमारी और जो हमारा टेम्परेचर है टी टू जो हमारा फाइनल टेम्परेचर है इस टेम्परेचर पे हमारी लेंथ हो जाएगी एल फाइनल और अकॉर्डिंगली यही हमारे लिमिट्स रहेंगे जब मैं इसको सॉल्व करता हूं तो ये इंटीग्रेशन है की की टाइप की। जिसका आंसर होता है एल एन एक्स तो मेरे पास क्या आ जाएगा एल एन एल एन एल और इसके लिमिट्स कहां से कहां तक लग रही है एल इनिशियल से एल फाइनल तक और राइट हैंड साइड पे मेरे पास क्या आता है एल्फा और डी टी की इंटीग्रेशन मेरे पास क्या हो जाएगी

तो मेरे पास क्या आ जाता है एल फाइनल अपॉन एल इनिशियल और यहां सेचर e बढ़ा देते हैं और हमने देखा कि जब हमारा एल्फा ज्यादा है तब हमारी फाइनल लेंथ एल इनिशियल ई टू दल्फा डेल्टा टी होती है और जब हमारा एल्फा स्मॉल होता है तो हमारी फाइनल लेंथ होती है एल फाइनल इक्वल टू एलिनेशन वन प्लस एल्फा डेल्टा टी और हम ध्यान से देखें जब हमारा एल्फा स्मॉल है तो ये क्या ये एक लीनियर एक्सप्रेशन है इस केस में जो हमारी लेंथ है वो कुछ लीनियरली बढ़ रही होगी टेम्परेचर के साथ अगर यहाँ में टेम्परेचर एक्सेस बनाऊँ यहाँ पर लेंथ एक्सेस बनाऊँ तो लेंथ टेम्परेचर के साथ लीनियरली बढ़ रही है लेकिन इस केस में जब एल्फा ज्यादा है तब मैं क्या देखता हूँ कि जो हमारी लेंथ है वो लीनियर नहीं बल्कि एक्सपोनेंशियली बढ़ रही है टेम्परेचर के साथ जैसे जस जैसे हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं अकॉर्डिंगली लेंथ एक्सपोनेंशियली बढ़ रही है ये कब है मेरा वेन इज स्मॉल और ये केस कब है मेरा जब इज लार्ज तो ये था एनालिसिस इस प्रॉब्लम का आई होप यू एंजॉयड द सोल्यूशन